व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल राणा और आप देख रहे हैं वीआर गेमर जॉनसन यानी कि मेरा चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे लेफ्ट में यानी कि आपके राइट पे सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन रहता है उसे भी दबा दीजिए। सो क्या, अगर मैं कभी कुछ नए वीडियोज लाऊंगा तो उसका घंटा सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ये है कि हाउ टू एडिट द वीडियोज एंड हाउ टू मेक फोटो स्लाइड शो इन पावर डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है दोस्तों, कुछ लोग वीडियोस को अच्छे से एडिट नहीं कर पाते हैं और वो बहुत से वीडियोस में ऐसे कमेंट भी लिखते हैं कि प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें वीडियो एडिटर के बारे में हो। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आज ये वीडियो को बना रहा हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना, और जैसे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है सो इस पर दबा के ठोक दो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो इतना आप लोग मत भूलना फ्रेंड्स। अच्छा चलो, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वीडियो एडिटर यूज़ करते हो। सो दोस्तों, मैं तो पावर डायरेक्टर बंडल यूज़ करता हूँ, सो इसलिए मैं उसका ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उसी के बारे में बताऊँगा। अगर आप कुछ और यूज़ करते हो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज का ये जो वीडियो है इसे पावर डायरेक्टर बंडल के बारे में है। सो फ्रेंड्स, ये है पावर डायरेक्टर बंडल। अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो आपको दो प्रकार के पावर डायरेक्टर मिलेंगे, एक सिंपल वाला और एक है बंडल। सो दोस्तों, आप इस बंडल को ही करना क्योंकि बंडल में ज़्यादा फीचर्स रहते हैं और ये अच्छा एडिटर है, इसलिए, क्योंकि पावर डायरेक्टर जो है वो वीडियोस को थोड़ा बिगाड़ देता है, लेकिन ये बंडल बहुत ही अच्छा ऐप है। सो आप ये बंडल को ही रखना। सो दोस्तों, अब हम इसे ओपन करेंगे। सो दोस्तों, ये ओपन होने के बाद ऐसा एक एक्टिवेशन कोड मांगता है। सो दोस्तों, आप इस एक्टिवेट बटन को दबाना और वो एक्टिवेशन कोड को डाल देना। सो दोस्तों, ये कोड मेरे इस वीडियो के थ्रू आप ले सकते हैं। इसका कोड है PMYZHBWE। सो दोस्तों, ये देखिए, ये है इसका कोड PMYZHBWE। सो दोस्तों, अब हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। सो ये देखिए, ये ऐसे आ जाता है। सो दोस्तों, ये था मेरा पुराना वीडियो जो कि आप देख ही सकते होंगे, और ये मिल भी नहीं रहा है। दोस्तों, मेरा पुराना वीडियो था क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में, 8 थिंग्स यू हैव टू नो इन क्लैश ऑफ क्लैंस। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए, बहुत अच्छा है वो। सो दोस्तों, अगर आपका पुराना कोई प्रोजेक्ट डिलीट करना है तो वो ऐसे होता है और ऐसे एक न्यू प्रोजेक्ट बन जाता है। सो हम ऐसे जाएंगे, आपको कौन सा साइज चाहिए वो आप यहाँ के थ्रू इसमें कर सकते हो। जैसे कि मुझे 16.9 चाहिए जो कि फुल स्क्रीन में आता है। दोस्तों, मेरे वीडियोज़ का नाम हमेशा वीआर वीडियोज़ ही रहता है, सो मैं यही दूंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आ गया वीआर वीडियोज़। सो ये रहा। सो दोस्तों, जैसे कि आप इसमें किसी भी वीडियो देखिए, यहाँ पे वीडियो जुड़ता है और यहाँ पे ऐसा फ़ोटोज़ जुड़ता है, और ये आप म्यूज़िक जोड़ सकते हो नीचे में। जैसे कि हमारे वीडियोस के नीचे आपने देखा ही होगा, कभी कभार एलन वॉकर का ट्रांस बजता है, वो फेडेड सॉन्ग, और भी कभी कभार बजता रहता है कुछ भी, तो वही सब। सो दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे, मेरा सबसे पहला ये मेरा इंट्रो है, तो मैं अपना इंट्रो चलाऊँगा और ये सुनते हैं अब। सो दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा, ये था मेरा इंट्रो जो कि मेरे हर वीडियो में चलता है। और मेरे इंट्रो को चलने के बाद अब जैसे कि हम किसी भी वीडियो को जोड़ देते हैं अभी के लिए। सो दोस्तों, मेरे पास बहुत से वीडियोस हैं, मैं किसी भी वीडियोस को जोड़ देता हूँ। सो देखिए, अब जैसे कि मैंने जना गना मना को जोड़ दिया इसके बाद, और ये जना गना मना जुड़ गया। तो जैसे कि अगर आपको एकदम स्टाइल से हटाना रहता है सो आप दोस्तों यहाँ पर दबा सकते हैं, और ये देखिए, मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस हिस्से को आप इस हिस्से को दबाएंगे तो बहुत ही एकदम, मतलब कि आप डिज़ाइन वाला कुछ भी डाल सकते हैं। सो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अब जैसे कि यहाँ पर आपने दबाया, सो देखिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारा आ जाएगा। तो जैसे कि हम ये आग वाला को रख देते हैं। सो दोस्तों, अब ज़रा आप देखिएगा ध्यान से, हम चलाते हैं इसे। जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड उत्कल बंगाल। दोस्तों यही ऐसे मतलब कि जुड़ता है ये, और हम इसमें स्टाइल स्टाइल में भी जोड़ सकते हैं। अब जैसे कि समझ लीजिए कि ये जनगणमना का वीडियो आपने बनाया था, ये आपका इंट्रो लग गया है ना, और ये आपका स्टाइल वाला लग गया, फिर आपका ये जनगणमना चल दिया। अब उसके बाद जैसे कि अब आप लास्ट वीडियो देंगे जिसमें लिखा रहता है लाइक एंड सब्सक्राइब का। सो दोस्तों मैं वो भी दे देता हूँ। अब ये देखिए, अब जैसे जनगणमना चलने के जस्ट बाद ये चलेगा, ये देखिए। सो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि ऐसा चल गया। सो फ्रेंड्स ये था वीडियो बनाने का इसमें तरीका, और जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे सेव प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या है, ये जो आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो सेव हो जाएगा, और यहाँ प्रोड्यूस वीडियो में हम जाएंगे। सो जैसे कि इतना वीडियो था, तो यहाँ पर आता है सेव टू गैलरी और SD कार्ड, फिर यहाँ पर आता है शेयर ऑन फेसबुक, फिर यहाँ पर आता है शेयर ऑन यूट्यूब, फिर यहाँ पर आता है मोर आउटपुट ऑप्शंस, फिर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट टू साइबरलिंक क्लाउड। ये साइबरलिंक क्लाउड यानी कि ये पावरडक्टर के कंपनी के पास चले जाता है वीडियो। सो दोस्तों हमें यहाँ सब कुछ करना नहीं है। अगर आप यूट्यूबर है तो शेयर ऑन यूट्यूब कर सकते हैं डायरेक्ट, जो कि मैं ऐसे ही करता हूँ, लेकिन मैं पहले यहाँ गैलरी में सेव करता हूँ। सो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, फुल HD, HD और SD। फुल HD का मतलब फ्रेंड से किसी भी में भी, जैसे लैपटॉप हो गया या फिर बड़े से बड़ा मोनिटर स्क्रीन हो गया, जैसे कि अमीर लोगों के घर में रहता है बड़े से बड़ा LED स्क्रीन, उसमें क्या है, ये जो वीडियो है फुल HD में चलेगा। लेकिन ये जो HD है, HD का ऑप्शन ये सेकंड वाला, ये सिर्फ मोबाइल के लिए HD है। अगर आप इसे TV या कंप्यूटर में चलाते हैं तो इसका क्वालिटी जो है फट जाएगा, तो ये उतना अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन दोस्तों हमें सिर्फ मोबाइल में ही रखना रहता है, इसलिए मैं इसे HD में बना दूँ, क्योंकि फुल HD में इसका MB कुछ ज़्यादा ही खींच लेता है ये। और HD में रहने से मोबाइल में भी, ना मोबाइल में HD चलेगा ना कहीं पे HD चलेगा, सिर्फ बटन वाले मोबाइल में ये HD में चलेगा, इसलिए ये HD में दिया है। सो फ्रेंड्स हम इसे HD में करके ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रिपेयरिंग लेता है, उसके बाद में ये ऐसे प्रोड्यूस होना शुरू होता है। सो दोस्तों मुझे प्रोड्यूस तो करना नहीं, तो मैं कैंसिल कर दूंगा, उसके बाद में मैं यहाँ से हट जाऊंगा। फिर यहाँ पे ऐसे जाने के बाद दोस्तों मैं इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो ये बनाना नहीं था। सो फ्रेंड्स अब बारी है फोटो स्लाइड शो की। सो दोस्तों ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। सो दोस्तों ये आ गया। अब सबसे पहले तो जैसे कि हम अपना टाइटल दे देते हैं कलर बोर्ड में, जैसे कि अगर आपको फोटोज़ डालना है, जैसे कि अगर आपको अपने दोस्तों का फोटोज़ बनाना है, माई स्वीट फ्रेंड्स, माई बेस्ट फ्रेंड्स इन माई लाइफ, या अगर आपको अपने परिवार का बनाना है, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, या फिर माई लवर, जो भी आपके प्यार का वीडियो है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, या आपके पेरेंट्स के साथ, या आपके फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ हो, तो दोस्तों हम जैसे कि सबसे पहले मैं तो ब्लू वाला कलर बोर्ड लेता हूँ हमेशा। सो दोस्तों अब हम इसमें टाइटल जोड़ेंगे। सो दोस्तों टाइटल यहाँ से जुड़ता है, मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। ये रहा, इस वाले बटन से टाइटल आते हैं। सो दोस्तों अब हम टाइटल जोड़ेंगे, इसे हमने दबाया, ये रहा टी टाइटल का ऑप्शन। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत से प्रकार के टाइटल्स रहते हैं। सो फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर नीले वाले बोर्ड में मैं इसको जोड़ता हूँ, तो मैं इसी को जोड़ूंगा, और इसमें मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं इसे कलर दे देता हूँ अपना। सो दोस्तों यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, आपको जैसी मर्जी, आपको जैसा कलर देना हो। सो दोस्तों बहुत से प्रकार के कलर हैं इसमें, आप कैसा भी दे सकते हैं, बस आपको पेंसिल को दबाना रहता है, फिर आप इसमें कैसा भी कलर दे सकते हैं, ये देखिए। सो दोस्तों मैंने, और आप इसे 3D में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सो ये देखिए, ये 3D में बन जाता है, ये देखिए, मतलब आप कैसा भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो दोस्तों मैं तो हमेशा ऐसे ही देता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही दूंगा, और फिर अब मैं इसमें लिखूंगा माई बेस्ट फ्रेंड्स इन माई लाइफ। दोस्तों ये मेरा टाइटल मिल गया, माई बेस्ट फ्रेंड्स इन माई लाइफ, दोस्तों ये मिल गया। सो अगर आपका कीबोर्ड में ऐसे स्माइली भी आ सकते हैं, सो आप स्माइली भी डाल सकते हैं। सो दोस्तों मैं ये थोड़ा शर्मीला वाला डालूंगा। सो ये देखिए, ये जैसे हो गया, अब जैसे कि ये देखना, ये चलेगा ऐसे, ये देखिए ये हो गया। और फिर अब हम इसमें वीडियोस मतलब कि फ़ोटोज़ जोड़ेंगे। सो दोस्तों जैसे कि मैं अपने दोस्तों का फ़ोटो जोड़ूंगा, कोई सा भी फ़ोटो जोड़ सकते हैं हम, नहीं
जैसे कि जैसे आपको कोई सा फोटो पसंद नहीं आया उसको बाद में जोड़ना है तो आप इसे दबाना, ये देखिए यहाँ डिलीट का डस्टबिन का ऑप्शन रहता है, तो इसे दबा देना, सो वो फोटो हट जाएगा। डिलीट रियल में नहीं होगा लेकिन बस यहाँ से हटेगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अब आप देख ही सकते होंगे कि अब मैं फ़ोटोज़ को जोड़ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपना जोड़ा पूरा, ये मेरी बाइक वाली कुछ इमेजेस थी। और अब यानी कि बारी आती है AK टैग गेमिंग की, यानी कि अवेश खान, जिसने अभी अभी नया वीडियो डाला है और उसका वीडियो का टाइटल है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल इन PC एंड इन मोबाइल। सो दोस्तों, अगर आपने उसका वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसने आज ही डाला है वीडियो को। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं NCC में भी हूँ, सो क्या है मेरा NCC का भी है। अब जैसे कि अब हम इसमें कुछ ऐसे ऐसे करके डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप कोई सा भी डाल सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। सो दोस्तों, ये बन गया। अब जैसे कि हम फिर से लास्ट का एक कलर बोर्ड देंगे और उस वाले कलर बोर्ड में रहेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, सॉरी ये तो मैंने यूट्यूब वाला बता दिया, थैंक यू माई फ्रेंड्स टू कम इन माई लाइफ, ऐसी मतलब कि जो आप लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सो दोस्तों, मैं लिखूँगा थैंक यू माई फ्रेंड्स टू केम इन माई लाइफ। सो सबसे पहले तो मैं इसे कलर दे देता हूँ, और मेरा कलर हमेशा यही रहता है, आपने मेरे और भी वीडियोज़ में देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, और भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं फ्रेंड्स, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। सो हम इसमें लिखेंगे थैंक यू माई फ्रेंड्स टू केम इन माई लाइफ। सो मैं इसमें भी स्माइली दूंगा फ्रेंड्स, और इसमें मैं किस वाला दूंगा, hey, किस, आई want a किस, ये रहा फ्रेंड्स ऐसे। सो अब हम इसमें एक गाना जोड़ देते हैं नीचे से। सो फ्रेंड्स, आप जस्ट यहाँ पर आना और यहाँ पे ये म्यूज़िक वाले ऑप्शन में जाना, और यहाँ से आप कोई सा भी गाना जोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा तो फेवरेट गाना है गंगनम स्टाइल, सो मैं उसे ही जोड़ूंगा। सो दोस्तों, ये कभी कभार कुछ ज़्यादा ही बड़ा चल देता है, सो चिंता मत करना, जैसे कि जहाँ तक आपको रखना है आप वहाँ तक रख सकते हैं, जैसे कि मुझे सिर्फ यहीं तक रखना था, नहीं नहीं यहाँ तक नहीं, यहाँ तक रखना था, सो मैंने यहाँ तक ऐसे कर दिया। और यहाँ से ये देखिए, इन्हें ऐसे काटने का भी ऑप्शन आता है, सो हमने इसे काट दिया, और इतना की हमें ज़रूरत नहीं है, सो अब हम इसे ऐसे डिलीट कर देंगे। और जबकि ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया, तो आप इसे बड़ा छोटा साइज़ भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये देखिए, अरे ये पीछे कैसे नहीं जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं गया तो नहीं गया, क्या होता है, अरे चला गया, क्या बात है, आखिरी में गया। और अब आप इसे ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। सो ये हो गया फ्रेंड्स, रुकिए एक मिनट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना जगह खाली है और यहाँ इतना जगह भरा हुआ है, वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि गाना जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे भरा भरा रहता है। सो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाना, हम वहीं से इसे करेंगे। सो मैं इसे इतना हिस्सा काट दिया और यहाँ से, ओहो फिर से वैसी हो गया। अगर आप इसे ऐसे टाइप से करेंगे तो वही हिस्सा दोबारा आ जाएगा। सो इसे काटने के बाद अगर आप यहाँ से करेंगे तो वहाँ से वैसे हो जाएगा, लेकिन आप इसे यहाँ से कीजिए तो क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, और ये पूरा ख़त्म। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे आप अपने वॉल्यूम हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ये गाने का वॉल्यूम स्पीड रखना है तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे ज़्यादा स्पीड तो रखना नहीं है इसलिए मैं 100 में ही रखूँगा। और दोस्तों, हमेशा ये गाने के एंडिंग में फेड आउट कर दीजिए, तो क्या है ये आखिरी में जाके ये गाना स्लो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओपन गंगनम स्टाइल, गंगनम स्टाइल, नाचेन दासारो उन इंगान जोगिन योजा, कॉफी हान जाने योयुरु आनन पुमक्योक इन्नन योजा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आई विल बी बैक विथ सम मोर वीडियोस, एंड प्लीज़ वेट टू सी माय दैट वीडियोस, एंड नाउ आई एम गोइंग, सो बाय बाय।